नूरपुर के पंचायत बरंडा के वार्ड नंबर 3 का निवासी लखवीर सिंह स्लेट से बने एक कमरे के झोंपड़ी नुमा जर्जर मकान में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। आलम यह है कि सिर ढकने के लिए छत पर डाले गए स्लेट भी बेहद दयनीय स्थिति में है, जो जगह जगह से टपकती है। समाज सेवी बबली देवी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो भी योजना चलाई गई है, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासन को जायजा लेने चाहिए कि किस व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम की जरूरत है। नीलम देवी ने बताया कि बरसात सिर पर है, जर्जर झोंपड़ी कभी भी साथ छोड़ सकती है। मकान की सहायता के लिए पंचायत से लेकर विभिन्न कार्यालयों में चक्कर लगाकर हार चुके हैं। नीलम देवी ने प्रदेश सरकार व नूरपुर प्रशासन से मांग की है कि उसकी हालत का शीघ्र आंकलन करवाया जाए और मकान के लिए अनुदान राशि की सहायता दी जाए। यहां तक कि नीलम के घर शौचालय तक भी नहीं है। सरकार के शौच मुक्त के दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं। सर, मेरा नाम नीलम देवी है और ये मेरा घर है छोटा सा, और जब बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी मेरा घर डाला जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और ये छोटा सा बिजनेस करती हूँ, आम पापड़ और कुतरा वगैरह बनाती हूँ। और उसके बाद मैं गौशाला, एक छोटी सी गौशाला और गाय रखी हुई है। ऐसे मैं तो मजबूरी करके मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। और जो मेरा आदमी है उसकी आँख में लगी हुई है, वो काम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे को बहुत दिक्कत है, 3 बेटियाँ हैं मेरी। पंचायत प्रधान संजीव जलियान ने बताया कि उपरोक्त व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी में डाला गया है। लखवीर सिंह का परिवार गरीब परिवार है और लखवीर सिंह की 3 बेटियां हैं। लखवीर सिंह का मकान होना चाहिए। विगत वर्ष पीएमवाई योजना के तहत जियो टैगिंग के जरिए किए गए आवेदनों के दौरान पंचायत द्वारा 200 मकान जियो टैगिंग कर भेजे गए थे, परंतु 125 व्यक्तियों के मकान की लिस्ट आई है। किसी कारण उक्त परिवार का नाम ना आया हो तो अगली लिस्ट का इंतजार किया जाएगा। कबीर सिंह की फैमिली आप बात कर रहे हैं, ये बहुत गरीब फैमिली है। इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और इसके पास मकान नहीं है। बहुत जेन्युइन केस है, इसका मकान होना चाहिए। पिछले एक वर्ष पहले जो जियो टैगिंग सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, मैंने करीब 200 के करीब अपनी पंचायत में मकान जियो टैगिंग करके भेजे हैं। जो लिस्ट आई है वो 125 बंदों की आई है। किसी कारण इनका नाम ना आया हो तो अगली लिस्ट का वेट करेंगे। जो भी स्कीम होगी हम इन गौर करेंगे कि इनकी लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, हम इस पर गौर करेंगे जरूर।